बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का एक बार फिर से हमारे चैनल स्काई कार पे। आज एक बहुत ही बढ़िया और ख़ास अपडेट लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। जैसे आप सभी भाइयों का पता है कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, गर्मियों की वजह से एसी की कूलिंग भी बढ़िया तरीके से नहीं होती, तो एक आज ख़ास अपडेट ये रहने वाली है कि इस गाड़ी के अंदर हम विंडो फिल्म लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी गरवारे कंपनी की। आपको 80% तक की विजिबिलिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो कंपनी के ओरिजिनल शीशे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी मैं दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी के अंदर बिल्कुल अच्छे से आर पार दिखेगा। ये जो कंपनी से ओरिजिनल शीशे जैसे आए हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ विजिबिलिटी, और एक बार पूरी लगाने के बाद भी आपको विजिबिलिटी दिखाऊंगा। यहाँ पे सारे डोर पैनल्स हमने खोल लिए हैं। डोर पैनल्स हमने इसलिए खोल लिए हैं ताकि जो फिल्म है वो बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से लग जाए, शीशा अप डाउन करने पर फिल्म रिमूव ना हो, और बिल्कुल एज टू एज लगाएंगे फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, तो ऐसा बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी के विंडोज़ के ऊपर किसी तरीके की कोई फिल्म लगी हुई है। ये क्वालिटी है और बहुत बढ़िया इसमें क्लैरिटी रहेगी। आपको फिल्म भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फिल्म की क्वालिटी देखिए, गरवारे कंपनी की है, ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, और अभी आप देख सकते हो पीछे आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। जब गाड़ी में ये आपकी विंडोज़ पर अप्लाई हो जाएगी तब भी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगी। लगाने के बाद मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। तो यूवी रिजेक्शन अप टू 99% होती है, एक बार बॉक्स दिखा देना। और आपको ये भी अपडेट देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर हम आपको वी कूल की भी फिल्म लगा के दिखाएंगे, वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। ये जो फिल्म अभी हम इसके अंदर लगा रहे हैं गरवारे की, इसके अंदर आपको पूरी गाड़ी जिसमें आपकी साइडें बैक और फ्रंट यानी कि पूरे ऑल द जो आपके विंडोज़ हैं कंप्लीट लगाने के बाद 5,500 रुपये का खर्चा आता है इंस्टॉलेशन के साथ में, और लाइफ टाइम इसकी जो है वो आपको लाइफ मिल जाती है, ख़राब नहीं होती एक बार लगने के बाद। और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम बिल्कुल अंदर तक इसको डाल देंगे और क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। अभी मैं आपको विंड स्क्रीन की भी दिखा देता हूँ अंदर से कितनी बढ़िया क्लैरिटी है, जैसे ओरिजिनल कंपनी से आई है, और विंडो पे इस आपको शीशे पे ग्लास पे लगने के बाद भी कैसी रहती है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। और भी बहुत सारा काम हो रहा है, टॉप मॉडल वेरियंट गाड़ी है, और ये कस्टमर जो हैं हमारे पास पहले भी अपनी एक नेक्सॉन लेके आ चुके हैं, तब इनका जो था XM वेरिएंट था। आप ये देखिए कितनी सारी आइटमें हम लगा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है, आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, बहुत बहुत आपका थैंक्स है, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपको हम देते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा हमारे लिए भी एक ये मोटिवेशन का काम रहता है। आप ये देखिए आज हमारे पास एक कर्नाटका से भी गाड़ी आई हुई है, आपको एक बार दिखाता हूँ नंबर प्लेट के पास जाके, और आज सारी गाड़ियाँ ही वाइट आई हुई हैं हमारे पास। ये गाड़ी भी जो है ये XM है, तो सारे वेरिएंट्स का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जल्दी मिलते हैं आपको पूरी गाड़ी के अंदर पूरा अपडेट करने के बाद। थैंक यू भाइयों। विजिबल लाइट ट्रांसमिशन इस फिल्म की आपको 70% की मिलती है, बट 70% होने के बावजूद भी आपको पता नहीं लगेगा, आप जज नहीं कर सकते कि फ्रंट पे कोई फिल्म लगी हुई है या साइड्स पे कोई फिल्म लगी हुई है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ आपको एक हल्की सी स्टैम्प दिखेगी जिससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इसके ऊपर विजिबल लाइट ट्रांसमिशन की स्टैम्प लगी हुई है। और विंडस्क्रीन भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ओरिजिनल कंपनी से लुक आया था किसी तरीके से कोई भी आपकी क्लैरिटी कोई विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, चाहे आप कोई भी विंडो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक स्टैम्प दिख रही होगी जिसके ऊपर गरवारे क्लियरली मेंशन है, इससे एक तो ये पता लग जाता है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है, और विजिबिलिटी जो है वो कितनी बढ़िया है कि ऐसे आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई स्टैम्प लगी हुई है। और यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्रंट की फिल्म ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो विंडो है सबसे बड़ा जो ग्लास है वो फ्रंट का है, मैक्सिमम हीट सबसे आगे से ट्रेवल होती है, सबसे ज़्यादा डैशबोर्ड हीट होता है, सबसे ज़्यादा जो हीट है हमारे को हमारी चेस्ट पर फील होती है, और सबसे ज़्यादा हमारा ये वाला पोर्शन गर्म हो जाता है जो कि आपकी फ्रंट से हीट ट्रैवल होती है। तो फ्रंट का विंडो जो है फ्रंट का जो ग्लास है उसके ऊपर आपको फिल्म ज़रूर लगानी चाहिए, साइड्स और डिक्की की भी जो फिल्म है उसके साथ में फ्रंट की फिल्म लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आज निकल गया है, एक बार बाहर से भी हम चेक कर लेते हैं कि बाहर से कितनी विजिबिलिटी हमारी ऑब्स्ट्रैक्ट हुई है। तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ट्रांसपेरेंट कंपनी से शीशे आए थे लगभग सेम वही व्यू मिलेगा। किसी तरीके से आप देख सकते हो अब शाम हो चुकी है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, पूरी ट्रांसपेरेंसी है गाड़ी में,
आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि गाड़ी में विंडोज़ की वजह फिल्म की वजह से जो है डार्कनेस क्रिएट हो गई है। तो आप ये फिल्म लगाइए और आपकी जो गाड़ी की जो एसी की जो कूलिंग है वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगी और बहुत बढ़िया आपको इफ़ेक्ट मिल जाएगा। तो इस फिल्म को लगाने का आपको बहुत बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखाया, तो आपको पूरी फर्स्ट क्लास चारों तरफ से क्लैरिटी दिखेगी। ये देखिए कोई ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। तो ये सबसे खास चीज़ हमने इस गाड़ी के अंदर लगाई है। और कुछ खास चीज़ें लगाई हैं जो कि हम हमेशा रेगुलर दिखाते हैं, फिर भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। एक बार ज़रा हेडलाइट ऑन करके दिखाना। सबसे पहले फ्रंट पे हमने ग्लॉस ब्लैक कलर की बैजिंग लगा दी है नेक्सॉन की। टॉप मॉडल गाड़ी है, आप देख सकते हो एग्जट प्लस ऑप्शनल। और फ्रंट पे हमने इसके अंदर लाइट्स अपग्रेड कर दी है, जैसे आप सभी भाइयों को पता है। टायर सीधा कर दो, जैसे आप सभी भाइयों को पता है कि लाइट्स में मज़ा नहीं है। फॉग लाइट ऑन कर दो तो लो बीम के अंदर 130 वॉट की LED, हाई बीम के अंदर 72 वॉट की LED और नीचे भी 72 वॉट की LED। तो ये हमारा लाइटिंग का सेटअप है। बोनट स्कूप DRL लगाई है इसके अंदर हमने, बहुत बढ़िया लुक आया था इसका भी। साइड प्रोफाइल में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, एक बार अंदर हो जाना। डोर वाइजर लगाए हैं क्रोम लाइन वाले। लोअर विंडो गार्निश लगाई है, अभी मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ उसका लुक भी। साइड की बीडिंग लगाई है, साइड के फुटरेस्ट लगाए हैं ब्लैक एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे कि हमारा एलॉय व्हील का लुक है। आप देखिए डायमंड कट है, सेम वही फिनिश है साइड के फुटरेस्ट की भी। बैक में रिफ्लेक्टर लगाए हैं। बेटा एक बार ब्रेक मारना, जरा पार्किंग ऑन करना। बैक पे रिफ्लेक्टर लगाए हैं मैट्रिक्स स्टाइल के अंदर। पीछे रियर गार्ड लगाया है, रियर फॉग लैंप लगाया है। ब्रेक दबाना ब्रेक, ये देखिए रियर फॉग लैंप। तो बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन हुई है, दो गाड़ियां आपके सामने एक साथ खड़ी हुई हैं। फ्रंट पे मैं डिफ्यूज़र मेंशन करना भूल गया था, आपको फ्रंट पे मैं दिखाता हूँ। हमने डिफ्यूज़र लगाया है GT स्टाइल वाला। डिफ्यूज़र का भी बहुत बढ़िया लुक आया था। और अंदर इंटीरियर में मैं आपको दिखाता हूँ, RGB लाइट्स लगाई हैं इसके अंदर हमने। वेलकम प्लेट लगाई है नेक्सॉन जिसके अंदर ब्लू लिखा हुआ है और साइड पे आपको वाइट लाइट मिल जाती है। तो ये कुछ खास मॉडिफिकेशन की है अभी हमने। फ्रंट की RGB लग रही है, बैक की RGB मैं आपको दिखाता हूँ। चारों डोर्स के अंदर इसके अंदर हमने डैम्पिंग की है, कंपनी से स्पीकर्स अच्छे लग के आते हैं हरमन के, डैम्पिंग कर दिया इसके अंदर चारों गेट्स के अंदर। तो ये फिल्मिंग के साथ साथ हमने इस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन किया है। बेस मॉडल सॉरी टॉप मॉडल है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की हैं। आशा करता हूँ आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा। तो विंडो फिल्म आप लगा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर 70% विजिबल वाली, जिसमें आपको 25% की हीट रिजेक्शन मिलती है। आपको लग रहा होगा 25% हीट रिजेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता होगा, बट बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ जाता है। AC की कूलिंग बहुत बढ़ जाती है। UV रिजेक्शन इसके अंदर आपको 99% मिलती है। तो ये था हमारा आज का खास मॉडिफिकेशन फॉर टाटा नेक्सॉन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। आपको बढ़िया से बढ़िया और नई से नई चीज़ें हम दिखाते रहेंगे और आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। सामने आप देखिए पंच का भी मॉडिफिकेशन चल रहा है। थैंक यू भाइयों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू भाइयों।